Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video, let's continue our chapter which is getting to know plants. This chapter is in biology because it is related with the living organism, that's why. Okay, so in the last video, we completed the introduction of the chapter that what we will learn in this chapter along with some interesting fact. Today I am going to continue the learning session first and then I will tell you some interesting fact about the plants. First I will start with the types of plant that we understood yesterday, that based on the size, based on the lifespan, based on their stems, we are having the types of plants that are herbs, shrubs and trees. Today in this video we'll understand these three in detail. Okay, so first I will start with herbs. Herbs means what? So herbs means the plant which is having green tender. Tender ka matlab hota hai soft. Green tender stem is called herb. Okay, matlab jo bhi plant wo bahut chote hote hai as well unki stem green color ki ho. और थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो तो वो सॉफ्ट होने की वजह से टूट जाती है अथवा मुड़ जाती है. सो सच काइंड ऑफ प्लांट्स आर कंसिडर इन हर्ब्स. ओके, एंड वन मोर थिंग, वन मोर स्पेशलिटी, दैट मोस्टली द हर्ब्स आर हैविंग हाइट ऑफ 3 to 4 feet. मतलब 3 से 4 feet जितने होते हैं, मतलब एक छोटे बच्चे की हाइट जितने होते हैं. ओके, सो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हर्ब्स प्लांट. ओके, अब हर्ब्स से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कोरिएंडर, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं दैट इज़ कोरिएंडर, धनिया. ओके, सो उसके स्टेम आप ऑब्जर्व करना हाथ में लेके तो वो ग्रीन कलर की होती है. थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करो या ऐसा कुछ भी करो तो ईजीली वो मुड़ जाती है, विच प्रूव्स दैट इट इज़ हर्ब. सेकेंड वन इज मिंट. मिंट मतलब फुदीना. ओके, तीसरा है थाइम. थाइम ओरेगानो. ये थाइम एंड ओरेगानो क्या है, ये आउट ऑफ कंट्री में हर्ब्स है. ओके, जो जैसे हम लोग धनिया कोई भी रेसिपी के अंदर यूज करते हैं, वैसे थाइम एंड ओरेगानो छोटे छोटे हर्ब्स है. सो इसका यूज होता है इटालियन फूड बनाने में. जब भी आप पिज्ज़ा बनाओ तो पिज्ज़ा के ऊपर आप ओरेगानो एंड चिली फ्लेक्स डालते हो, सही है कि नहीं? भूख तो नहीं लग गई ना पिज्ज़ा का नाम सुन के, नहीं ना? ओके, सो थाइम एंड ओरेगानो इटालियन सीजनिंग है, मतलब इटालियन हर्ब्स है. ओके, जिसको सूखा के हम लोग यूज, इंडियंस के यहाँ पे नहीं होता है इसलिए हम लोग उसको सूखा के यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे ताज़ी ताज़ी थाइम एंड ताज़ी ताज़ी ओरेगानो का यूज़ होता है. ओके, वो जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे उसकी स्मेल बहुत ब्यूटीफुल आती है. नेक्स्ट वन इज ग्रास. ग्रास आपको पता है हमारे स्कूल में बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है, वहाँ पर बहुत सारा ग्रीन, जैसे ब्लैंकेट जिसने बिछाया हो या ग्रीन चद्दर बिछाई हो इसने, इतना ब्यूटीफुल ग्रास है ना? सो दिस ग्रास इज ऑल्सो कंसिडर इन हर्ब्स. ओके, नेक्स्ट वन इज मस्टर्ड. मस्टर्ड मतलब राई. ओके, हम लोग जब भी, आपको पोटेटोज बहुत पसंद है ना, सो पोटेटोज बनाते वक्त मम्मी सबसे पहले तड़का लगाती है एंड शी विल पुट मस्टर्ड इन इट. ओके, सो दिस मस्टर्ड इज ऑल्सो काइंड ऑफ हर्ब्स, जिसके ऊपर ब्यूटिफुल पीले पीले कलर के फूल आते हैं, और जब उसका खेत आप विंटर सीजन में देखो सो इट विल लुक वेरी अमेजिंग. पूरा खेत एकदम येल्लोइश दिखता है एंड बहुत ब्यूटिफुल लगता है. नेक्स्ट वन इज व्हीट. व्हीट मतलब गेहूँ. ओके, और गेहूँ की, गेहूँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर इन हर्ब्स. नेक्स्ट इज पैडी. पैडी का मतलब चावल. ओके, सो पैडी के, पैडी भी हर्ब्स के अंदर आएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज एलोवेरा. ओके, एलोवेरा बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली हेयर एंड स्किन के लिए. यू हैव टू यूज इट डेली. ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल. आई एम सेइंग सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. ओके, वैसे तो बहुत सारे स्पीशीज हैं. आप लोग पालक भी लिख सकते हैं, मेथी भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती है. बट कुछ चीज़ें हमने ऐसी यूज़ की है ताकि आपको नाम इजीली आए. मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपको सारे के सारे नाम याद रखें, एटलीस्ट मिनिमम हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में मिनिमम 4 नाम आपको आने चाहिए.
तो आप चार नाम तो बहुत इजीली गेस कर सकते हो। पहली चीज़ है ग्रास, दूसरी चीज़ है मिंट, तीसरी चीज़ है तुलसी, चौथी चीज़ है कोरिएंडर। अभी कोरोना था तो लोगों ने तुलसी वाला काढ़ा बहुत पिया होगा, सही है ना? ओके, सो इट इज तुलसी इज ऑल्सो कंसिडरिंग हर्ब्स। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग बेटा, दैट तुलसी एंड पीपल, ये दोनों ऐसे प्लांट्स हैं जो 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। रिमेनिंग प्लांट्स जो होते हैं वो क्या है कि सुबह के टाइम में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके रात में वो लोग रात में मोस्टली सारे प्लांट्स हैं वो CO2 बाहर निकालते हैं। लेकिन तुलसी एंड पीपल, ये दोनों प्लांट ऐसे हैं जो आपको 24 आवर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो इसलिए मोस्टली तुलसी को घर पे रखा जाता है, बिकॉज तुलसी आपको 24 आवर ऑक्सीजन तो आप देती ही है, साथ साथ में आप लोगों को बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी तुलसी का यूज़ होता है। सो आप लोगों को भी उसका यूज़ करना चाहिए। ओके, ऐसा बोलते हैं इससे दिमाग बहुत अच्छा चलता है, आपको दिमाग चलाना हो तो आप रोज़ तुलसी के पत्ते खाना। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट, आई एम शोइंग यू सम फोटोज ऑफ हर्ब्स। थाइम, देखो थाइम ऐसी आती है, थाइम है, रोजमेरी है, ये सारी बाहर की हर्ब्स है। ओके, रोजमेरी हमारे इंडिया में भी होती है लेकिन थाइम हमारे इंडिया में नहीं होता है। ये थाइम है, रोजमेरी है, ये सारी चीज़ों का खाने में इस्तेमाल होता है। और ये रोजमेरी है वो कभी कभार अगर आपको सर दुख रहा हो या ऐसा कुछ हो तो ये रोजमेरी से ऑयल बनाया जाता है जिसका यूज़ होता है, जिससे हेडेक तुरंत ही अच्छा हो जाता है। डिल मतलब अगर गुजराती में बोले तो सुवानी भाजी। ओके, सो डिल एक टाइप की भाजी है। ओके, टैरागोन, ये आपको कोई भी नियर बाय रीजन के अंदर मिल जाएगा। चाइव्स, देन कोरिएंडर सबको पता है। ओके, बे मतलब क्या, हम जो बिरयानी और वो सारी चीज़ें बनाते हैं तो पता है हम एक पत्ता डालते हैं, सूखा पत्ता। ओके, तमाल पत्र बोलते हैं उसको, तमाल पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं बे लीफ। ओके, BAY, बे लीफ, तो वो ग्रीन होता है तब ऐसा दिखता है। ओके, इससे चीज़ों खाने के अंदर फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। सैग, बेसिल, अब बेसिल एंड तुलसी दोनों सेम है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे यहाँ की बेसिल छोटे पत्ते वाली होती है, बाहर की कंट्रीज में हम लोग यहाँ पे उसको तुलसी बोलते हैं, बाहर की कंट्री वाले उसको क्या बोलते हैं, बेसिल। ओके, उसके पत्ते एंड तुलसी के पत्ते का फ्लेवर ऑलमोस्ट सेम टाइप का होता है। फिर ये देखो ओरेगानो, जो हम लोग पिज्ज़ा में डालते हैं। ओके, मिंट, पुदीना। ओके, एंड पार्सले एंड कोरिएंडर दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ओके, कोरिएंडर हमारे यहाँ टिपिकल देसी, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वाइल आउटर कंट्रीज में जो पार्सले होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ओके, कोरिएंडर को हम सिलेंट्रो भी बोलते हैं। अगर बाहर की कंट्री में जाओ और पूछो कि कोरिएंडर दो तो आपको वो लोग नहीं दे सकते, उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सिलेंट्रो बोलते हो कि आई वॉन्ट सिलेंट्रो, तो वो आप लोगों को कोरिएंडर है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हर्ब्स। नाउ आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज श्रब्स। ओके, श्रब्स के अंदर हम श्रब्स को कैसे पहचाने, तो श्रब्स मोस्टली 1 से 3 मीटर जितने होते हैं, बड़े लोगों की जितनी हाइट के, 1 मीटर से 3 मीटर तक लंबे होते हैं। ओके, पहली चीज़ टॉल होते हैं। दूसरी चीज़ है कि भाई इसकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन कलर की होती है, एज वेल थोड़ी हार्ड होती है, वुडी स्टेम जिसको बोलते हैं, हार्ड होती है, ब्राउन वुडी स्टेम एंड हार्ड, और 1 से 3 मीटर टॉल, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं श्रब्स। ओके, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैसे पहचाने, मोस्टली ये जो श्रब्स होते हैं उनकी जो ब्रांचेस निकलती है वो नियर बाय, अपने ग्राउंड से नियर बाय ही होती है। ओके, ग्राउंड के नियर बाय ही उसकी अलग अलग ब्रांचेस है वो निकलती है। ओके, लेकिन ट्रीज में आप देखना, ट्रीज का ट्रंक बहुत हाइट तक पहले बढ़ेगा और फिर ऊपर जाके वो फैलेगा। ओके, ये पहचान है ट्रीज की। और श्रब्स की क्या पहचान है कि वो ग्राउंड के नियर बाई ही उसकी अलग अलग स्टैम्स है वो निकलती है, उसकी मल्टीपल स्टैम्स होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन श्रब्स एंड ट्रीज।
ओके अब उसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि नींबू, लेमन का जो ट्री ट्री होता है वो श्रब में क्राउंड होता है, ओके फिर पीच है, पेयर है, पोमोग्रेनेट है, स्ट्रॉबेरीज है, ओके ये सारे मोस्टली ऐसे श्रब्स है जिसका नाम आपको इजीली याद रह सकता है, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन ओवर हियर, ओके बाकी बहुत सारे ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स है तो आप वो भी लिख सकते हो, ओके सो ये चार नाम आपको इजीली याद रह जाएंगे, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन। नाउ आई विल शो यू द फोटोज, ओके यू कैन सी एप्पल ट्री में काउंट होगा तो बेटा वो एक्सेप्शनल केस में उसको साइड में रख देना प्लीज, ओके पीच है वो भी ट्री में आएगा, सो पीच एंड एप्पल को आप अभी साइड में रख लो, लेकिन पेयर है, चेरी है, कोवान भी एक टाइप की बेरी आती है, ओके ब्लैकबेरी है, रास्पबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ओके फिर ब्लैक करंट मतलब ब्लूबेरी जो आती है वो ब्लैकबेरी आती है, सो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेरीज है वो श्रब्स के अंदर काउंट होती है, प्लम भी ट्री में काउंट होगा। सो एक्चुअली दिस फोटो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, सो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसमें नहीं, जैसे कि ऑलिव है वो ट्री में आएगा, ओके एप्पल है वो ट्री में आएगा, कोवन, पीच, प्लम ये सारी चीज़ें ट्री में आएगी, सो बेटा ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज ट्री, ओके तो बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रीज है वो हमारे स्कूल में प्रेजेंट है, ओके द टॉल दैट हैज हार्ड एंड थिक ब्राउन वुडी स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज। ट्रीज की क्या पहचान है, एक तो बहुत टॉल है मीन्स मोर देन 3 meters, बहुत टॉल है पहली चीज, दूसरा बहुत हार्ड एंड थिक ब्राउन वुडी स्टेम है, ओके आपको आपको पता है ट्रीज का ट्रंक होता है बहुत मोटा वाला वुड होता है, ओके जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, सो थिक ब्राउन वुडी स्टेम का मतलब है ट्रंक, ओके आप पूरे हाथ फैलाओ तब जाके आधा ट्रंक है वो आप टच कर पाते हो, है ना, ओके सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीज, ओके दैट टॉल प्लांट, पहला चीज मेंशन करना है टॉल, सेकेंड हार्ड, तीसरा थिक ब्राउन एंड चौथा वुडी स्टेम, ओके सो लाइक दिस यू कैन डिफाइन द ट्री। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट दैट पॉइंट इज रिटन, ब्रांचेस आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम मच अबव द ग्राउंड, यू कैन सी इनसाइड द फोटो बेटा, यहाँ से ये ग्राउंड है, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 meter हाइट होगी, सो 1 to 2 meter तक तो सिर्फ हार्ड वुडी स्टेम है, फिर यहाँ से फिर उसकी ब्रांच है, यहाँ से फिर उसकी ब्रांच है वो निकलना शुरू होती है, सो ब्रांचेस आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम एंड मच अबव द ग्राउंड, ओके एग्जाम्पल्स बहुत ईजी, नीम, कोकोनट, मैंगो, जामुन, पीपल, देन व्हाट शुड आई से नेक्स्ट, सीसम, टैमरिन, ओके एप्पल ट्री, सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर, लेट मी शो यू सम ऑफ। हमारे इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर है वो दो है, दैट इज बनियन ट्री, ओके बनियन ट्री को हम टिपिकल लैंग्वेज में गुजराती में अगर बोलना हो तो उसको वर्ड बोलते हैं, वर्ड, ओके और हिंदी में बरगद का पेड़ बोलते हैं, बरगद के पेड़ की बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं निकलती है जिसके ऊपर हम लटक के झूला भी झूल सकते हैं, अब कुछ याद आया, या एग्जैक्टली सो वो बरगद का पेड़ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बनियन ट्री और गुजराती में बोलते हैं वर्ड, ओके नेक्स्ट वन जो दूसरा बहुत फेमस है दैट इज पीपल ट्री, ओके पीपल ट्री जो होता है वो भी बहुत अच्छे से बड़ा वाला होता है, उसके पत्ते बहुत अच्छे ब्यूटीफुल जैसे हार्ट शेप जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट इज योर मोस्ट फेवरेट मैंगो, सो मैंगो ट्री इज ऑल्सो कंसिडर इन ट्री, ओके कैटेगरी ट्री की कैटेगरी में आता है, देन चेरी ट्री, चेरी ट्री का देखो पत्ते और ट्री कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, ओके हैविंग ऑलमोस्ट लेवेंडर कलर, इतना पर्पल लेवेंडर जैसा दिखता है, ओके इमली, इमली का पेड़, ओके वहाँ से तोड़ तोड़ के इमलियाँ बहुत खाते हैं हम लोग, है ना, सही है ना, ओके नेक्स्ट वन इज मैंग्रोव ट्री, मैंग्रोव ट्री को हम सुंदरी भी बोलते हैं, मैंग्रोव ट्री मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में जब बांग्लादेश की बॉर्डर है वहाँ पे सुंदर वन नाम का एक जंगल है, सो वहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है और वहाँ पे जो ट्री होता है उसका नाम है मैंग्रोव ट्री, ओके नेक्स्ट वन इज ओक ट्री, ओके ये ठंडी जगह पे होता है, और नेक्स्ट वन इज बैम्बू,
बैम्बू ट्री। हम जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम लोग मंडप बांधते हैं, मंडप जो व्यास से बनता है उसको बोलते हैं बैम्बू। ओके, एंड गुल महोर, गुल महोर मोस्टली समर सीजन जब आती है तब गुल महोर के ऊपर रेड कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं, जिससे ये पूरा जो ये ट्री है वो बहुत ब्यूटीफुल सज जाता है। ओके, सो वी लर्न अबाउट हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, और मैंने कुछ कुछ इम्पोर्टेंट छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको हर्ब, श्रब एंड ट्रीज के बारे में बताए। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तब हम लोग इन तीन के अलावा भी कुछ प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट है, सो वो प्लांट स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन जस्ट स्टे हैप्पी, अपने नेचर को एक्सप्लोर करना सीखिए, मदर नेचर ऑल्सो और अपना खुद का जो नेचर होता है उसको भी। ओके, जितना ज़्यादा आप उसको एक्सप्लोर करेंगे उतने अच्छा आप इंसान भी बनेंगे और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ओके, सो स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग। अगर आपके घर प्लांट है तो थोड़ा बहुत पानी देना सीख जाइए। ओके, इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट। ओके, टिल देन जस्ट स्टे हैप्पी, हैव अ नाइस डे, बाय।